दोस्तों आज मैं बस्तानी रोड पे आया हूँ, अल मशहूर गोगा गुजर साहब के डेरे पे। तो आज इनका इंटरव्यू करता हूँ। चौधरी नदीम गुजर साहब हमारे साथ है और हमारे साथ अब्दुल्ला भाई बैठे हुए हैं, चौधरी जवान साहब बैठे हुए हैं, चांद भाई बैठे हुए हैं। तो नाजरीन आज आपको मैं इनके शौक के बारे में बताता हूँ और इनसे जो मुतबाद की इंफॉर्मेशन वगैरह है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जी चौधरी साहब, नदीम भाई से शुरू करते हैं। अस्सलाम जी नदीम गुजर साहब, आपकी छत है माशाल्लाह काफी मशहूर, सामी रोड पे ये छत है आपकी। तो कब से शौक यहाँ पे कर रहे हो और आपकी छत पे कौन कौन शौक कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे आप इस शौक के अंदर आए? तो भाई 20 साल हो गए हैं जी। जी भाई हर साल माशाल्लाह, जैसा कि नाजन भी आपको दीप भाई बता रहे थे कि कपों में भी काफी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और माशाल्लाह ये एक इधर गुजर बरादरी जो बैठी हुई है ये सारे शौक के तरीन है और सब जो है ना मिलकर ये शौक कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका शौक है, सामी रोड पे जा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई इतना चाहते जी, अब्दुल्ला भाई कैसे आप शौक पे आए और कैसे इस शौक को आपने आगे किया हुआ है? जी सफदर भाई, अपनी मैं तकरीबन 15 साल की उम्र तो शौक से बालक साहब शौक करते से जी। नॉर्मल छत से कुछ नदीम भाई अपनी अंदर छोटी जी पहले छत सी जी। उस तो बाद जी शौक करना स्टार्ट किया जी। फिर आस्ता आस्ता शौक बढ़ता गया, तो पता है फिर शौक का तो कोई मुल नहीं। हाँ जी सारी गल एक पुत्रवाद ये कि वैसे भी खानदानी शौक का चलता हो रहा है, चल रहा है अपने चाचे बाबे और सारे को बड़ा शौक है। हर साल सी बहुत दे कफा चेंट्री सड़ी हो गई तो बड़े नाम पर कबूतर ते माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी लोग जैसी छते चाचे वाला दी चाचे बाबे आदि के सी बाहों में लगा नस्ल दी ब्रीड बोर्ड करवाई जी। ते वो इधर सारा मामला ਕਲੇ ਪ੍ਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਹਰ ਕਾਪੇ ਵੀ ਡਰੀਮ ਕਰਾ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ। ਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਛੱਤ ਕਿਸਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਸਤਾਨੀ ਰੋਡ ਤੇ? ਜੀ ਛੱਤ ਅਦਰ ਚਾਚੂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਚਾਚੂ ਯੂਨਸ ਗੁਜਰ ਜੀ ਯੂਨਸ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਚਾਚੂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਗੋਗਾ ਗੁਜਰ ਗੋਗਾ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਨੋਂ ਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਚ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ इनके बारे में जो है ना हमें इन्फॉर्मेशन दे। तो माशाल्लाह आपके घर की ब्रीड वगैरह उड़ रही है, आपने कभी कोई कबूतर बाजार से नहीं लिया, एक अरसे से जो आपके पास ओल्ड ब्रीड पड़ी हुई है उनके अंदर ही आप फोन कर रहे हैं और साल हर साल आप जो ना अपने घर के ब्रीडर जो है ना आपके माशाल्लाह जेठ में खेतर में उसके अलावा कुछ बरसात तो आप उड़ाते नहीं है, आपके माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो दोस्तों को जरा यार ब्रीडर कबूतरों के बारे में बताएं कि क्या चीज आप पसंद करते हैं जो माशाल्लाह आपके कबूतर उड़ते हैं, इतने प्यारे बेबी जो है फ्लाइंग हाई फ्लाइंग बेबी निकलते हैं जो बड़ा मजा दे रहे हैं उड़ रहे हैं आपके इलाके में। मेन चीज जो मैं अपनी जाती तजर्बे दे करे दसना वा जी, मेरे तो बहुत बड़े उस्ताद भी मौजूद है, मैं तो खैर तुसे उस्ताद मैं तो शौकी बंदा वा जी, शौकीन बंदा वा पर ते मैं उस बारे दसना के कबूतर दी जड़ी हड्डी होवे जी, कश्ती नु हड्डी होवे जी बिल्कुल, अगला थले पार हो कबूतर ब्रीडर जड़ा जी फड़िया होया लोए हो क्या बात है, समझ लगे कबूतर ब्रीडर फड़िया पता लग जंदा ना ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ੌਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੱਲਾ ਤੇ ਪਰ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਵਹੀ ਸਾਧੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਤਾਂ के कबूतर जो ब्रीडर कबूतर होता है उसकी किश्ती नुमा हड्डी होनी चाहिए, पर उनका अच्छा होना चाहिए और जो बगल के पार हमेशा जो लोग पसंद करके हैं करते हैं कि कमर ऊपर बगल के पार हो अच्छे पार हो। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है दुल्ला भाई की छत पे लेके चलेंगे
तो वहाँ पे आपके जो उनके ब्रीडर तो कबूतर है वो भी आपको चेक करवाएंगे। हमारे साथ रिजवान जट साहब भी बैठे हुए हैं, तो ये जो है अभी जो ये भी हमारे साथ ही होंगे उस दिन जब हम जाएंगे, तो आपको शौक करवाएंगे। इसी के साथ अपने दोस्त और अपने होस्ट सफदर अली को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।